नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया है जो कोरोना से एक लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है, अपनी जनता की फिक्र कर रही है, सोच रही है वैक्सीन कैसे बनाएं, दवाई कैसे बनाएं, और पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो इतने सालों से करते करते उसमें वो खुद को पारंगत समझने लगा है, यानी आतंक का एक्सपोर्ट। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कश्मीर में इस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस तरीके से भारतीय फौज उन सभी आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने लगी है, अब देखिए कि रियाज नायकू के मार गिराए जाने पर भी पाकिस्तान आधिकारिक मातम मना रहा है। पाकिस्तान की उड़ गई है नींद। इमरान खान का ब्लड प्रेशर हो गया है हाई। जब से हिजबुल के मास्टरमाइंड रियाज नायकू के ढेर होने की खबर सुनी है, तब से बेचैन है पाकिस्तान का ये नियाजी। नश्तर की तरह इमरान खान के सीने में चुभी है ये खबर। अपने पालतू आतंकियों के एक एक कर जहन्नुम में जाने से इमरान खान के नापाक इरादे पर पानी फिर गया है। जिनके दम पर पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी की खेती शुरू की, उस पर सुरक्षा एजेंसियों ने मट्ठा डाल दिया। A++ कैटेगरी के इस आतंकी के मारे जाने के बाद इमरान खान बौखला गया है। बौखलाहट ऐसी कि वो आए बाएं साए बोले जा रहा है। बीजेपी RSS की तानाशाही की नीति ने गंभीर खतरा पैदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी रियाज नायकू के खात्मे से पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार फिर से भड़काया जाए, और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भारतीय सेना की आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में आतंक के आका सक पका गए हैं। आज तक से खास बातचीत में CDO जनरल बिपिन रावत ने भी साफ किया कि आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी और आने वाले दिनों में भी आतंक के नए जो लीडर होंगे उनका इसी तरह से खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान में बैठा आतंकी सैयद सलाउद्दीन भी हैरान परेशान है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ये मुखिया पाकिस्तान की जमी से ही कश्मीर में आतंक की खेप भेजता रहता है। सैयद सलाहुद्दीन इस शातिर आतंकी को अमेरिका 2017 में ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इसे पनाह दे रखी है, और यही शातिर आतंकी वहां से नायकू के मारे जाने के बाद गीदड़ भभकी देने लगा। कश्मीर में हमें अपने मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी। सैयद सलाहुद्दीन की जहालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना को उसने मजहब से जोड़ दिया और कहा कि कोरोना वायरस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि हर जगह मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे ही आतंकियों की बदौलत इमरान खान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की आग को लगाए रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार फिर इमरान का दांव उल्टा पड़ गया और हिजबुल के सबसे खतरनाक कमांडर रियाज नायकू का खात्मा हो गया। इस ऑपरेशन में JNK पुलिस ने SSC इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस आर्मी CRP लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। हिजबुल का ये खूंखार आतंकी कैसे ढेर किया गया वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि कितना खतरनाक था ये आतंकी। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंक का सबसे बड़ा चेहरा था रियाज नायकू। कश्मीर में अब तक किसी भी आतंकी संगठन का कमांडर 4 साल तक जिंदा नहीं रहा। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान का पोस्टर बॉय था रियाज नायकू। कश्मीर में युवाओं को आतंकी बनाने में माहिर था यह आतंकी। नेटवर्क के दम पर यह आतंकी कई बार सुरक्षा बलों के हाथों से भागने में कामयाब रहा। कई सुरक्षा बलों के अपहरण और हत्या में इस आतंकी के खून से सने हुए थे हाथ। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है वहाँ पे काफी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी, उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी।
12 लाख रुपए के इनामी आतंकी रियाज नाइकू के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन यही गुनाह इसके लिए काल बन गए। नाइकू कई बार सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से फरार होने में कामयाब रहा था, तो इस बार उसके लिए पुख्ता जाल बिछाया गया। 5 मई की शाम को खबर मिली कि नाइकू अपने परिवार से मिलने पुलवामा के गांव बेगपुरा आने वाला है। ये सूचना इंटरसेप्ट होने के बाद पुख्ता हो गई। पूरे इलाके को देर रात यानी 2 बजे तक घेर लिया गया। सभी नागरिकों को घरों से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया, लेकिन आतंकी नाइकू छुपा रहा। घड़ी की सुई टिक टिक बढ़ती गई। 6 मई यानी बुधवार को सुबह के 9:30 बज गए। एक एक घर की तलाशी हुई। 6 हाइडआउट की तलाशी के बाद 7वें हाइडआउट की बारी आई और इसी 7वें हाइडआउट में छुपा था आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा, जिसके बाद तो फिर इसके खात्मे की खबर ही बाहर आई। हालांकि पिछले 6 महीना से HM के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। एक एक ट्रैक करते गए उसके मूवमेंट को, उनके OSW को, उनके कुछ OSW को अरेस्ट कर गया, इंटोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया। इतना कन्फर्म है कि इसके अंदर मिलिटेंट है। कोरोना के संक्रमण काल में जहां पाकिस्तान को वायरस के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी, वो आतंकवाद के जरिए हमसे टकराना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने दहशत की आड़ में जंग छेड़ी है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी हमला होता है और उसका कनेक्शन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़ जाता है। यही कारण है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया था कि आप अपना रास्ता सुधारिए वरना सैंक्शन हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। पाकिस्तान इससे बचने के लिए आतंकवाद को लेकर अपना रास्ता नहीं बदल रहा है, बल्कि आतंक फैलाने के रास्ते बदल रहा है। यही सब कुछ नजर आता है जम्मू कश्मीर में उसके फैलाए आतंक और उसके बदलते चेहरे और मोहरों में। सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म। पाकिस्तान ने पीएम मोदी का यह बयान सुना होगा तो तड़प उठा होगा, क्योंकि वो आतंकी वायरस कोई और नहीं, कश्मीर पर नजरें गड़ाए बैठा पाकिस्तान खुद फैला रहा है। पड़ोसी मुल्क जानता है कि उसकी असलियत क्या है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि कैसे उसकी नापाक धरती पर आतंकी फसल उगाई जा रही है। गोली बारूद का खाद पानी दिया जा रहा है और दहशतगर्दी की उस फसल की सप्लाई कश्मीर में की जा रही है। पाकिस्तान इस सच से पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो जिहाद के नाम पर रियाज नाइकू जैसों को कमांडर बनाता रहा है और कश्मीर में आतंकवाद फैलाता रहा है। पाकिस्तान की कोख में पल रहे आतंकी आकाओं के इशारों पर ही वो अपने मंसूबों को अंजाम देता रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन, जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, भूलना मुश्किल है इंसानियत के इन दुश्मनों को। सबके सब पाकिस्तान की खाते रहे हैं और आतंकवाद दहशतगर्दी के गीत गाते रहे हैं। हंदवाड़ा में आतंकियों ने जो काराना हमला किया वो लश्कर की करतूत थी। ऐसे हमले पर पीएम मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि दहशतगर्दों को करारा जवाब मिलेगा। हंदवाड़ा हमले के 24 घंटे के भीतर रियाज नाइकू का खात्मा उसका एक छोटा सा हिसाब है। हिंदुस्तान की यह कार्रवाई पाकिस्तान को चेतावनी है, पाक हुक्मरानों को इशारा है कि उनकी हर नापाक हरकत पर नई दिल्ली की पैनी नजर थी, है और रहेगी। मजहब की राजनीति पर भारत के 2 टुकड़े ही बहनों कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके 2 टुकड़े हो गए और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान में बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। जितनी बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अशांत करने की हिमाकत की है, हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। हिजबुल आतंकियों पर जवानों का प्रहार उसी के सबूत हैं।
पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से 184 हिजबुल आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 2014 में 11, 2015 में 20, 2016 में 24, 2017 में 34, 2018 में 44, 2019 में 32 और इस साल 4 मई तक 19 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुलवामा आतंकी हमले का हश्र पड़ोसी मुल्क भुगत चुका है। फरवरी 2019 में भारतीय जवानों ने उसके घर में घुसकर दुश्मनों को मटिया मेट कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दुनिया ने देखा कि बालाकोट के बाद पाकिस्तान कैसे घुटनों के बल बैठ गया था। वो दुनिया भर में रो रो कर थक गया, लेकिन हर कोई उसके खूनी इरादे से वाकिफ था। तभी तो उसका साथ देने को कोई भी तैयार नहीं था। You have to have two parties that want to agree, and if they, when they come, and at some point India may come. I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, you know, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. I've done it before, believe it or not. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भद पिटाने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर के नौजवानों को बरगलाने की तरकीब अपना रहा है। उसके लिए पड़ोसी मुल्क ने आतंकी आगाओं की पूरी फौज अपने घर में बिठा रखी है। घाटी में रियाज नायकू जैसे आतंकियों के खात्मे पर पत्थरबाजों का जो गैंग सड़कों पर उतर रहा है और सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहा है, ये उसी नापाक रणनीति का हिस्सा है। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान किस हद तक घाटी में जहर बो चुका है, लेकिन इसका भी हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि पाकिस्तान की आतंकी नस्ल तबाह हो जाएगी और उसके बम बारूद गोलियों का बही खाता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। जब बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा गया था, उस समय हमने देखा था कश्मीर घाटी पूरी तरीके से जल उठी थी, लेकिन इस बार तैयारियां पुख्ता हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात का आश्वासन दिया है कि न सिर्फ रियाज नायकू का खात्मा बल्कि उसके आगे की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने। जनरल साहब, इन हालात के बीच कश्मीर घाटी में इस वक्त हम देखते हैं कि लगातार ऑपरेशन सेना कर रही है और सीमा पार से कोशिशें हो रही है, कल भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन हालात पर क्या कहेंगे? टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। साथ साथ ही जो टेररिज्म के लीडर हैं इनको शायद लार्जर देन लाइफ साइज इमेज दी जाती है, क्योंकि हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है वो सब दहशत की कार्रवाई है, और इनकी दहशत की कार्रवाई के कारण अगर इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है तो मेरा कहना ये सही नहीं होगा। ये लोग जो हैं टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें सीज़ फायर वायलेशन हम देख रहे हैं लगातार, तो इनको ये कोशिशें जारी रहेंगी और इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने नायकू को एलिमिनेट किया, वहां से एक नया लीडर इमर्ज होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक नए लीडरशिप को नॉमिनेट कर देंगे, तो ये तो कार्रवाई इनकी जारी रहेगी कि एक लीडर खत्म होता है दूसरे लीडर को आप तैयार कर दो। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। कोई खास रणनीति आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई के बीच में भी वो आतंक फैलाने की बात काम कर रहा है? इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है, ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है।
वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी, उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है, और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है, वो कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आज की बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां से भी, जिस भी देश से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उसे पैसों की मदद मिली, उसने खर्च किया केवल आतंकियों को पालने पोसने में, उनके लिए हथियार खरीदने में। यहां तक कि कोरोना के इस संकट काल में भी उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि खर्च तो कश्मीर पर घुसपैठ में कर दे रहा है वो। कोरोना से बेहाल है पाकिस्तान की आवाम, कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान, कर्ज में डूब चुका है आतंक का आका। फिर भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोरोना कहर बरपा रहा है, मरीजों की संख्या 24,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हर दिन सैकड़ों लोग वायरस के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अकड़ है कि कम नहीं होती। आवाम को बचाने के नाम पर कंगाली का रोना रोने वाला पाकिस्तान आतंक को पाल पोस रहा है। कोरोना की दस्तक के साथ ही इमरान खान कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खड़े हो गए। अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $1.4 अरब के राहत पैकेज का ऐलान किया। इतने से भी काम नहीं चला तो अमेरिका ने करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी। इस सब के बावजूद पाकिस्तान आवाम को वायरस से बचाने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन आतंक का कारोबार फल फूल रहा है। खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देकर लॉकडाउन का लॉक तोड़ने पर तुले हुए हैं। सवाल ये है कि इमरान खान के कटोरे में सहायता के नाम पर जो करोड़ों रुपए डाले गए, वो आखिर गया कहां? क्या पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ जंग की जगह आतंक की खेप तैयार करने में कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।